प्लीज मैंने अपने गेम में ले लिए बैट मनी कार, और बैट मनी कार चलाने में काफी मजा आ रहा है और मुझे इसका चीट कोड पता चल चुका है, आपको मैं चीट कोड बताने वाला हूँ। और गाइस देखो, जैसे मैं पुलिस को मारूंगा वैसी पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। और गाइस मैंने अपने गेम को अपडेट भी कर लिया, और अपडेट कैसे अपडेट कर सकते हो वो आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने भाई न्यू वेपन भी ले लिया, और आप न्यू वेपन कैसे ले सकते हो, अपने गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो, वो सारा कुछ मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कैसे सीक्रेट तरीके से अपने गेम को अपडेट कर सकते हो, कहाँ से अपडेट करना है अपने गेम को, और गाइस आपको कुछ सीक्रेट कोड बताने वाला हूँ, अपने न्यू कोड बताने वाला हूँ, बैट मनी कार का चीट कोड बताने वाला हूँ, पुलिस बाइक की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि आप पुलिस बाइक हमारे गेम में आ रही नहीं आ रही है, और हमारे गेम में कौन सी चीज न्यू आ रही है इस वाले अपडेट में, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट जरूर देखते रहना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ इंडियन वेक ड्रैगन 3D गेम। तो गाइस देखो, मैंने अपने गेम को अपडेट कर लिया, और जैसी भाई अपडेट करने के बाद मैं अंदर आता हूँ, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पुलिस मिल रहा है, मुझे यहाँ कैदी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। अभी मैं पुलिस से फाइट भी करने वाला हूँ, और पुलिस को मारने वाला हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा भाई साहब पुलिस कैसे कितना गंदा मारती है। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज की, दिखाने वाला हूँ आज की वाली वीडियो में पुलिस की फाइटिंग। तो गाइस वीडियो को लास्ट जरूर देखते रहना, और आप चैनल पर नया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पता है आपको भाई साहब न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू गेम प्ले और न्यू अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ इस चैनल पर। तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस देखो यहाँ पर आपको तीन पुलिस वाले देखने को मिल जाते हैं, और भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अभी मैं इनको भाई मारने वाला हूँ, तो फिर देखना भाई क्या ही मतलब खतरनाक सीन होता है। तो यहाँ पर हमें तीन पुलिस वाले मिल जाते हैं, और यहाँ पर इन पुलिस वालों के हाथ में कोई भी गन नहीं है, मतलब अभी जो है रोहित गेमिंग स्टूडियो सर ने जो अभी इन पुलिस वालों के हाथ में कोई वेपन नहीं दिया है। मैंने अगर किसी भी एनपीसी को मारा तो भाई साहब पुलिस मेरे भाई साहब मुक्के से मारने वाली है, तो भाई साहब अभी तो कोई वेपन है नहीं, अगर वेपन हुआ तो भाई साहब मुझे वेपन से मारेगी। तो गाइस आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि काफी लोगों ने कमेंट करा था कि पुलिस सायरन को बंद कर दो, पुलिस सायरन को भाई हमारे पुलिस सायरन को बंद कर दो, तो भाई रोहित गेमिंग स्टूडियो सर ने जो है पुलिस सायरन को बंद कर दिया है। और गाइस काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ऑन ऑफ का ऑप्शन दे दो, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको इस वाले अपडेट में ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो है आपको सिर्फ रिमूव मिलेगा, अगले जो नेक्स्ट अपडेट जो इन फ्यूचर आएगा उसमें आपको ऑन ऑफ का अपडेट मिल जाएगा। तो गाइस अभी जो मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टेशन के अंदर, और भाई साहब अभी मैं एनपीसी को मार रहा हूँ, लेकिन भाई साहब एनपीसी को कुछ नहीं हो रहा। देखो मैं एनपीसी को ऊपर चढ़ गया, और मैं मुक्के से ही मार रहा हूँ, लेकिन एनपीसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी जो है पुलिस वालों को मुक्के से मार कर देखता हूँ। तो गाइस देखो मैं पुलिस वालों को ऊपर चढ़ गया, फिर भी पुलिस वालों को कुछ नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब मैं भाई कितने मुक्के मार रहा हूँ, लात भी मार रहा हूँ, लेकिन भाई पुलिस वाले बैठेंगे अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाई देखो पूरा चढ़ रहा हूँ मैं, मुक्के मार रहा हूँ, पुलिस वालों को कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। तो भाई इससे तो पता चलता है कि हमारे पुलिस वालों से भाई हम मुक्के से पुलिस वालों को मारेंगे पुलिस स्टेशन के अंदर आकर, तो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं होने वाला। अब देख सकते हो मैं कितने ज्यादा मुक्के मार रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। खैर गाइस अभी जो है मैं इनको गन से मारने वाला हूँ, अपनी पिस्टल से मारने वाला हूँ, हमारा सबसे छोटा वेपन है हमारे गेम में पिस्टल। तो अभी पुलिस वालों को मारूँ या फिर एनपीसी को मारूँ गाइस, तो मुझे क्या लगता है मैं एनपीसी को मारता हूँ, पुलिस वालों को भाई मैं पंगा ही नहीं ले रहा। तो अभी एनपीसी को मार के देखते हैं कि पुलिस वाले मुझे मारने आते हैं नहीं आते। तो गाइस मैंने एनपीसी के एक लगाता हूँ हेड, और गाइस मैंने मार दिया। वो भाई पुलिस तीनों पुलिस वाले मुझे उठका आ चुके हैं भाई साहब, मुझे भाई ये बहुत खतरनाक मार रहा है, और मेरी हेल्थ देखो भाई कितनी ज़्यादा जल्दी जा रही है। भाई साहब पूरे तीनों पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए, मुझे भागना पड़ेगा। भाई देखो मैंने एक एनपीसी को मारा तो पूरे तीनों के तीनों पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। तो भाई देखो बहुत गंदा मार रहा है यार, तीनों के मुक्के से मार रहा है, इनके पास अभी कोई वेपन नहीं है, कोई पिस्टल नहीं है, भाई मुक्के से मेरा भूत बना देंगे। और ये देखो भाई साहब मेरा भूत बना दिया लोगों ने मुक्के से मार मार के। खैर अभी दोबारा से आ चुका हूँ, अब भाई साहब मैं जो है पुलिस वाले मारने वाला हूँ, भाई पुलिस वाले अब देखता हूँ मार के क्या होता है। तो अभी जो है मैंने एनपीसी को मारा, अब मैं पुलिस वालों को मार कर देखता हूँ, एक हेड मारता हूँ AK-47 से। भाई मैंने मार दिया, लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ, और तीनों उठ के भाई मेरे फिर पीछे बढ़ गए। भाई साहब यार बड़ी खतरनाक है यार, कितने ज़्यादा एक्टिव है यार, ये तो भूत भर देंगे भाई। और भाई अभी तीन पुलिस वाले हैं पुलिस स्टेशन में, और भाई अगर सेकंड फ्लोर पर और पुलिस वाले आ गए तो भाई यार मतलब हम जैसे किसी भी एनपीसी को मारा गया तो तुरंत आ जाएंगे पुलिस वाले। और ये देखो भाई मुक्के से मारने को मेरे पीछे पड़ गए भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरनाक पुलिस वाले तीनों के तीनों। तो अभी जो है इनको भाई साफ सफाया कर देते हैं, इनको मार गए और मेरे पीछे पड़े पड़े भाई। अब देखो जहाँ भी मैं जाऊँगा भाई मेरे पीछे आ जाएंगे, मतलब मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँगा फिर मेरे पीछे आ जाएंगे। तो जल्दी से इनका सफाया कर देते हैं, तीनों को मैंने टपका दिया है। अब गाइस मैं दोबारा से आ चुका हूँ, अब भाई साहब इस कैदी को मार कर देखता हूँ कि कैदी को मारने से कि पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट गाइस फुल करने वाला हूँ भाई एकदम से खतरनाक। तो गाइस अभी जो हम मारते हैं कैदी को, और भाई मैंने कैदी को मारा फिर मेरे पीछे पड़ गए यार यार, मतलब मैंने कैदी को मार कर देख लिया, एनपीसी को मार कर देख लिया, लेकिन भाई साहब मेरा पीछे ही छोड़ा, तीनों को तीनों तुरंत के तुरंत आ जाते हैं भाई। ये शुक्र है कि भाई जो है इन पुलिस वालों के ऊपर भाई पुलिस वालों के पास पिस्टल नहीं है, और भाई साहब मैंने इस वाले एनपीसी को मार दिया, अब तो सब एनपीसी को टपकाऊंगा मैं, तेरी ऐसे की तैसी मुझे मारोगे तुम लियो, तुम्हारी ऐसे की तैसी एक बच्चा एक पुलिस वाला बचा है इसको भी टपका जाते हैं, और सब एनपीसी को लपेटूंगा मैं, ये ले तेरी ऐसे की तैसी, ये ले तू भी। भाई सारे एनपीसी को मार दिया और एक पुलिस वाला बचा, अब इससे भाई से भी मैं मार दूँ से, और पूरी पुलिस स्टेशन मैंने टपका दिया। ये देखो पूरा पुलिस स्टेशन खत्म कर दिया मैंने। तो गाइज ये है हमारे पुलिस स्टेशन का गेम प्ले,
जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। और पुलिस भाई साहब को इतने ज़्यादा खतरनाक मार रही है तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट अपडेट में। तो गाइस आपको गेम प्ले कैसे लगा कमेंट में जाकर जरूर बताना। और गाइस मैं आपको अब बता देता हूँ कि हमारे न्यू थार कब आने वाली है। हमारे न्यू थार भाई जो है रोहित गेम स्टोर सर ने बोला है कि अब जो है पुलिस स्टेशन में वर्क एकदम कंप्लीट हो चुका है, मतलब जितने भी हम कर रहे हैं वो कंप्लीट होने ही वाला है। बस जैसे हमारा वर्क कंप्लीट होगा हमारे जो है पुलिस स्टेशन पर, वैसे ही भाई जो है हमारे न्यू थार पर वर्क चालू हो जाएगा। और न्यू थार वर्क चालू हो गया तो गेम प्ले भी आ जाएगा, फिर मैं आपको गेम प्ले दिखा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लो। और भाई साहब जल्दी से आपको गेम प्ले देखना है हमारे न्यू थार का। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है बैड बनी कार ले रखी वो कैसे ले रखी। तो गाइस देखो बैड बनी कार आप कैसे ले सकते हो, मैं देखो हमारे रोहित गेम स्टोर ने बोला है कि जो है अभी जो है हम कोई भी ऐसी कार नहीं लेकर आ रहे हैं गेम में जो कि सुपर हीरो कोई कार हो। मतलब अभी जो है बैड बनी कार का कोई अपडेट नहीं मिला है, कोई लीक उन्होंने नहीं दिया है कि हम जो है कोई सुपर हीरो कार ऐड करें नहीं करें। तो अभी जो है अभी कोई ऐसी वैसी कार का तो अभी सीन नहीं है हमारे गेम में कि मतलब हम कोई सुपर हीरो की कार को ऐड करें। तो अभी सिर्फ जो सीन है हमारे गेम का कि अभी जो आपको हमारे गेम में सुपर बाइक एंड सुपर कार आपको देखने मिलेगी। तो सुपर कार अगर आप कौन सी चाहते हो तो कमेंट में बताना। और निसान GTR तो हमारे गेम में अभी मॉडल नहीं मिल पा रहा है निसान GTR का, निसान GTR का मॉडल मिल जाएगा तो वो हमारे जो है इस वाले अपडेट में निसान GTR आने वाली है। तो गाइस मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पूछा था कि भाई आप कौन सी बाइक चाहते हो, मतलब पुलिस की बाइक चाहते हो या फिर सुपर बाइक चाहते हो, कौन सी BMW बाइक चाहते हो। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई जो हम पुलिस की बाइक चाहते हैं, मतलब पुलिस की बाइक ऐड करा दो। गेमिंग स्टूडियो सर ने पूछा है कि भाई जो है हम ऑडियंस से पूछ लो कौन सी बाइक ऐड करवाना चाहते हो। तो भाई साहब मैं उन्हें बता दूंगा, फिर आप जल्दी से कमेंट कर दो और जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। तो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो भाई जल्दी से भाई कमेंट कर दो और मुझे साफ साफ बता दो कि आपको कौन सी बाइक चाहिए हमारे गेम में, पुलिस की बाइक या फिर सुपर बाइक। तो भाई रोहित गेमिंग स्टूडियो सर ने पूछा है कि अभी जो है हम ऐड करने वाले हैं, अब भाई पुलिस स्टेशन वर्क तो खत्म हो चुका है, अब जो है अब बहुत चीज़ें ऐड होने वाली हैं। तो अभी जो है बाइक को कमेंट कर दो कि कौन सी बाइक चाहते हो आप, तो जल्दी से जाओ कमेंट करो। तो गाइस मैं अब आपको बताता हूँ कुछ हमारे गेम में कब गेम का अपडेट आ रहा है, मतलब हमारे गेम के अपडेट की डेट कौन सी होने वाली है। तो देखो रोहित गेमिंग स्टूडियो सर ने बोला है कि अभी जो है हमारी कुछ अभी मैंने फिक्स नहीं करी है, उन्होंने अभी जो है कोई भी गेम की अपडेट की मतलब गेम की डेट कोई फिक्स नहीं करी है, क्योंकि भाई हमारे गेम में बहुत ज़्यादा चीज़ें रह गई हैं हमारे गेम में अभी भाई अपडेट में आने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, बहुत ज़्यादा काम रह गया, मतलब हमारे पुलिस स्टेशन का सबसे बड़ा काम था तो वो तो भाई खत्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। और तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो हमारी और चीज़ों पर वर्क चालू हो जाएगा। तो अभी जो है आपको मैं आपको बता दूँ कि हमारे गेम की अपडेट की डेट, तो गाइस अभी जो है काफ़ी चीज़ें और रह गई हैं। तो अभी आपको सिर्फ 20 डेज और लग जाएंगे, मतलब कि मार्च तक हमारा गेम का अपडेट आ जाएगा जहाँ तक की है। मतलब अभी जो है काफ़ी चीज़ें और बची हैं, तो वो चीज़ ऐड हो जाएंगी ना, मतलब हमारे पुलिस की बाइक हो गई आप अगर डिमांड बढ़ाओगे तो और गाइस हमारी निसान GTR हो गई, हमारी न्यू थार भी हो गई, तो ये तीन चीज़ें और ऐड हो जाएंगी ना, तब गाइस जो है हमारे गेम का अपडेट आने के मतलब जो है अपडेट की डेट फिक्स आपको बता देंगे रोहित गेमिंग स्टूडियो सर। तो मैं आपको जो है आपको फिर बाद में फिक्स डेट बता दूंगा कि हमारे गेम का अपडेट कब आ रहा है। तो ऐसा कुछ सीन है हमारे गेम का, और बहुत चीज़ें अभी रह गई हैं, बहुत चीज़ें वर्क अभी चालू नहीं हुआ है, और काफ़ी चीज़ें हमारे गेम में और ऐड करवाना चाहते हो, मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था, मतलब मैंने कमेंट पढ़ी थी आप लोगों की। तो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो है हमारे न्यू ट्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, वो एक साल हो चुकी है इसमें आपको बता रहा हूँ ट्रेन को। तो ट्रेन हमारे गेम में मतलब चेंज कराना चाहिए, मतलब वंदे भारत, मतलब आप एक्सप्रेस जो है कमेंट कर रहे हो कि हमारे गेम में वंदे भारत एक्सप्रेस होना चाहिए। तो जो है अभी जो आप इस वाले अपडेट में तो आपको नहीं मिलने वाली, तो मैं रोहित गेमिंग स्टोर से हम बात कर देखते हैं कि वंदे भारत अगर अवेलेबल होगी तो ऐड हो सकती है हमारे गेम। तो गाइस मैंने आपको गेम की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, और गाइस मैंने आपको न्यू गेम प्ले भी दिखा दिया पुलिस स्टेशन का। तो गाइस बस आज की वाली वीडियो में आपके लिए, वीडियो चली वीडियो को लाइक करना, चल पा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।